हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? और रेडी हैं आप सब लोग? कौन कौन आ गए हैं चेक कर लेते हैं एक बार। आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो है कंस्ट्रेंट मोशन के ऊपर। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप? हेलो पृथ्वी, कैसा है बच्चे? ठीक है, एक बार आने दे, एक बार सबको आएंगे बच्चे कुछ, है ना? एक बार सब लोग आ जाएं, एक बार फिर शुरू कर पाएगा। एक बार ग्रुप में डाल दो मैसेज, है ना? हमारा आज का जो टॉपिक है कंस्ट्रेंड मोशन। ठीक बात है, बिल्कुल लाइव सेशन है, मज़ा आता है, क्या दिक्कत है। कंस्ट्रेंट मोशन तीन तरह से पढ़ा जाएगा, है ना? एक तो होता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन। जो जो बच्चे आ जाए एक बार मुझे प्रेजेंस बताइए अपनी, कौन कौन आ गया है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ठीक है, मैं हाँ। और दूसरा होता है ब्लॉक कंस्ट्रेंट, पुली कंस्ट्रेंट, ब्लॉक पुली कंस्ट्रेंट। ठीक है जी, इसको हटा दो। कुर्ती जी आ गई है, हेलो कैसे हो। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हो गया और दूसरा हो गया पुली कंस्ट्रेंट। ये वन बाय वन पढ़ेंगे बच्चों हम सब लोग, ठीक है? मज़ा आएगा आपको, सवाल सॉल्व होंगे, जब आपसे सवाल अच्छे से सॉल्व होंगे तो बड़ा मज़ा आता है, एक्साइटमेंट रहती है ना? और तीसरा होता है बच्चों वेट्स कंस्ट्रेंट, वेट्स कंस्ट्रेंट। बस वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं दिखाते क्या? है अभी चार बच्चे दिखा रहे हैं मुझे, है ना? वेट्स कंस्ट्रेंट, ये तीनों पढ़े जाते हैं बच्चों कंस्ट्रेंट मोशन में। सबसे पहले तो हम ये चर्चा करते हैं कि कंस्ट्रेंट होता क्या है, कंस्ट्रेंट होता क्या है। तो कंस्ट्रेंट के बारे में क्या एक्चुअल में क्या होता है ये अपन चर्चा करते हैं। एक सेकेंड, मैं देख पा रहा हूँ और जो बच्चे आ गए हैं क्लास में मुझे हेलो बोल दें एक बार, मुझे आइडिया आ जाएगा कौन कौन आ गया है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने बोला था आने के लिए, है ना? तो एक बार मुझे बता दीजिए, ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले आपसे कोई पूछे, सर व्हाट इज कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट क्या होता है, ये तो पता चले पहले, है ना? बड़ा सिंपल सा है, वैसे नाम थोड़ा अजीब सा लगता है इसका, बट क्या है कंस्ट्रेंट? बेसिकली होता है बच्चों जो आप कर रहे हो वही काम पीछे वाला कर रहा है ना? जैसे कि मान लीजिए, क्या बोलूँ क्या बोलूँ, जैसे कि आप एक शोरूम में जाते हो, एक मॉल में जाते हो, तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक एक्सरे मशीन होती है। क्या होती है? एक्सरे मशीन। तो यहाँ पे भाई साहब बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, तो ए उसके पीछे बी, उसके पीछे सी, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, है कि नहीं? तो इस एक्सरे मशीन को जब ए क्रॉस करता है ना, उसके बाद बी भी क्रॉस करेगा, उसके बाद सी भी क्रॉस करेगा, ऐसे सारे क्रॉस करते हैं। तो जो काम एक कर रहा है वही काम जो पीछे वाले भी कर रहे हैं, तो उसी को बोला जाता है कंस्ट्रेंट। सिस्टमेटिकली सारे एक जैसा ही काम करते हैं, तो इसी को कंस्ट्रेंट मोशन कहा जाता है। अब इसको मैं हमारी भाषा में, फिजिक्स की भाषा में जब कैसे समझे भाई साहब, तो देखिए मान लीजिए आपने दो ब्लॉक जोड़ लिए, ठीक है जी, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं, है ना? इसके साथ एक ब्लॉक को जोड़ दिया, ओके क्लियर। अगर मैं आपको बोलूं, क्या बोलूं, कि अगर मैं इस ब्लॉक को स्पीड दूं 5 मीटर पर सेकेंड, अब आपने देखना है कि यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स। आर यू टॉकिंग अबाउट मेटल डिटेक्टर? हाँ, यस 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 यस। वो मतलब वो अलग चीज़ है, मतलब कंस्ट्रेंट का मतलब है जो एक कर रहा है उसको क्रॉस करते हैं एक्सरे मशीन को, वही पीछे वाला करेगा, वही उसके पीछे वाला करेगा, सारे एक जैसा ही काम कर रहे हैं, इसको कंस्ट्रेंट मोशन कहा जाता है। सस्टेंड है एक तरह से कि पीछे एक। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल है, ये पार्टिकल किससे जुड़ा है? ये पार्टिकल जुड़ा है आपका किससे? ये पार्टिकल जुड़ा है आपका ब्लॉक से, ठीक है? उसके बाद ये वाला पार्टिकल भी जुड़ा होगा, है ना? ये पार्टिकल है, इसकी स्पीड कितनी? 5।
इस वाले की स्पीड कितनी, 5, इसके पीछे ये वाला भी कितना है, 5। तो हर पार्टिकल भाई साहब उसी स्पीड को मेंटेन रखता है जो भाई साहब लास्ट वाले ब्लॉक की है, एक ही। तो हम ये कहते हैं कि सिस्टम कैसा है, कंस्ट्रेंट है। तो बच्चों जब सबकी स्पीड एक जैसी है, कंस्ट्रेंट मोशन कहा गया, तो अगर ये ब्लॉक की स्पीड 5 है तो इस वाले की भी कैसी होगी, 5 ही होगी। इसको बोला जाता है कंस्ट्रेंट मोशन। कौन सा मोशन? कंस्ट्रेंट मोशन। तो बच्चों कंस्ट्रेंट मोशन से पहले है ना आपको एक और बात समझा दूं, जो स्ट्रिंग होती है, जो हम रस्सी की बात करते हैं, उसकी खासियत क्या होती है? एक तो वो हम लेते हैं मासलेस। कैसे लेते हैं? मासलेस, ठीक है जी। और दूसरा भाई साहब उसको हम इनएक्सटेंसिबल मानते हैं, मतलब उसकी लेंथ बढ़ना अलाउड नहीं है, है ना। अगर सोच के देखो, अगर उसकी लेंथ बढ़ जाती तो देखो क्या होता। आप सोच के देखो, स्प्रिंग है, अगर आप स्प्रिंग में देखो, अगर आप इसको फोर्स लगाओ तो ये कंस्ट्रेंट मोशन नहीं कह सकते हम इसको, इसको कंस्ट्रेंट मोशन नहीं बोल सकते, क्योंकि भैया अगर आप इसको स्पीड 5 मीटर पर सेकंड देते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई साहब जैसे ही चला ये पीछे वाला भी चलना शुरू करेगा, क्योंकि कुछ देर बाद क्या होगा, जैसे आपने फोर्स लगाई तो इसमें एक्सटेंशन आ जाएगा, आया कि नहीं आया, लेंथ बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो ये लेंथ बढ़ गई तो इसको भाई साहब कंस्ट्रेंट मोशन नहीं कह सकते। तो कंस्ट्रेंट मोशन के लिए कंडीशन क्या है? सब एक जैसा मोशन करें, ठीक है जी। ये ब्लॉक है, ये इस वाले ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, और ये ब्लॉक आगे बढ़ा तो इसकी स्पीड मान लो 2 मीटर पर सेकंड, तो इस वाले पार्टिकल की भी 2, इस वाले की भी 2, इस वाले की भी 2, इस वाले की भी 2। अगर देखो इसकी 2 होती और इसकी 1.5 होती तो क्या होता, इसमें एक्सटेंशन आ जाता, इसमें लेंथ थोड़ा सा चेंज हो जाती, होती कि नहीं होती। तो बट ये अलाउड नहीं है। तो हम जब फिजिक्स में हम टॉपिक कंसीडर करते हैं तो बच्चों इसमें हम ये मान लेते हैं कि हर किसी की स्पीड कैसी है, सेम। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो ये होता है कंस्ट्रेंट मोशन। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हम पढ़ते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ एक दो, आपको थोड़ा आइडिया आएगा। जैसे कि सपोज करिए, मान लीजिए देखिए पहला एक सवाल कराता हूँ आपको, मैं थोड़ा सा आइडिया आएगा। जैसे पुली में होता है ना, ये पुली में आपने एक रस्सी ऐसे लटका दी, एक ब्लॉक यहाँ लटका दिया, एक ब्लॉक यहाँ लटका दिया, ठीक है। ये ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है, ओके। अगर ये भाई साहब ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है जी, ओके, तो रस्सी तो एक ही है, तो रस्सी एक ही है, तो ये वाला भी 5 से जाएगा, ये भी 5 से जाएगा, ये भी 5 से जाएगा, ये भी 5 से जाएगा, और ये वाले नीचे जाएंगे 5 से, ये वाला नीचे जाएगा, तो ये भी कहाँ जाएगा? क्यों? क्योंकि कंस्ट्रेंट मोशन है, क्योंकि इसको अलाउड नहीं है भाई साहब एक्सटेंड होना लेंथ को, है ना। तो ये कंस्ट्रेंट मोशन कहलाता है बच्चों, ठीक है। अब आपको जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लॉक है ऐसे, इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है जी, ओके। इसको आपने पुली से जोड़ दिया ऐसे, इस ब्लॉक से, ये ब्लॉक है ऐसे, ठीक है जी, और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। यहाँ पे कहाँ रखा हुआ है? ग्राउंड पे। तो जब बच्चों ग्राउंड पे रखा हुआ है तो ये इस तरफ दौड़ रहा है। अब देखो ये रस्सी से जुड़ा हुआ है ना, ये वाला पॉइंट जो है पी पॉइंट, ये इस ब्लॉक से जुड़ा है, तो इसकी स्पीड कितनी है? 5। तो अगर कंस्टेंट मोशन है तो भैया सबकी स्पीड कैसी होगी? 5, इसकी भी 5, इस पार्टिकल की भी 5, हर किसी की 5। बट ये जो ब्लॉक है ये जा तो इस डायरेक्शन में रहा है, और ये एंगल ले लो मान लो 37 डिग्री, कितना? 37 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन है, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप सोच के देखिए एक्चुअल मोशन क्या है बी का, वी का एक्चुअल मोशन तो भाई साहब ये है ना, वो तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ऐसे थोड़ी ना उठ गया, क्योंकि रस्सी यहाँ से इसको ऐसे भी तो खींच सकती है, नहीं। बट हमने देखा ये ऐसे सरक रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, इसका पाथ हॉरिजॉन्टल है जो ये मूव कर रहा है। तो बच्चों हम इसको कैसे फॉलो करें कंस्ट्रेंट मोशन को? तो देखिए, तो ये जो स्पीड है वी, इस रस्सी को एक्सटेंड होना अलाउड नहीं है। सोच के देखो, अगर ये दो पार्टिकल्स, एक पार्टिकल जो ये वाला और एक पार्टिकल जो ब्लॉक का, मैं इसको थोड़ा यहाँ करके दिखाता हूँ तो आपको फील आएगी। यहाँ पे एक पार्टिकल तो ब्लॉक और एक पार्टिकल स्ट्रिंग का। सोच के देखो, अगर ये इसकी स्पीड ऊपर की तरफ 5 है और इस वाले की कम हो गई तो रस्सी टूट जाएगी। तो भैया इसका इस डायरेक्शन में पाथ जो है, इस डायरेक्शन में स्पीड कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो बच्चों आपको बता दूं, एक्चुअल में ये चल तो ऐसे रहा है, तो V का इस डायरेक्शन में जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? वो बराबर होना चाहिए 5 के, क्योंकि ये स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो सकती। तो V cos 37 डिग्री कितने के बराबर होगा? 5 के। तो V की स्पीड कितनी आएगी? तो V की स्पीड आएगी, V cos 37 कितना होता है? 4/5, तो ये हो गए 25/4।
मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये होता है कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, एक और सवाल करता हूँ, फिर आपको मैं आपको दूंगा करने के लिए। देखो बहुत मज़ा आएगा, सवाल बहुत है मेरे आज क्लास में, तो बस थोड़ा सा मेहनत करिए। जैसे ही देखिए, मान लीजिए एक ब्लॉक है ऐसे, ठीक है जी, मान लिया ये जा रहा है भाई साहब इस डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू ले लो आप जो भी भाई साहब, मान लो 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, ओके। और यहाँ एक पुली जोड़ दी ऐसे, बहुत बढ़िया, पुली को ऐसे जोड़ा गया कुछ तो इसके साथ, ठीक है जी, ये एंगल बन रहा है मान लो 53 डिग्री, ठीक है जी, ओके। डेटा थोड़ा आसान ले लेते हैं, और ये जुड़ा हुआ है इस ब्लॉक से, ठीक है जी, ओके, ये पुली, क्लियर। और ये एंगल कितना, हाँ जी, एक सेकंड बच्चों, क्लास का एक मैसेज आया है, यस, बस मुझे 10 सेकंड दो, बच्चे पूछ रहे हैं, ठीक है, चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि क्लास चल रही है क्या, तो हमने बता दिया। ये एंगल बच्चों ले लो 37 डिग्री, आपसे इसकी स्पीड पूछी है बी ब्लॉक की, ठीक है, किसकी स्पीड पूछी है, बी ब्लॉक की, चलिए ये सवाल है। अब आप देखो, देखो बच्चों ये इधर जा रहा है और ये स्ट्रिंग ऐसी है ना स्लेंट में ऐसे, तो इस डायरेक्शन में ये 53 है तो ये 53 होगा, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, आ जाओ भाई जल्दी आओ अभिषेक, थोड़ा लाइव से पीछे चले जाओ, एक बार क्लास देख लो एक बार जाके, ठीक है, है ना, अब ठीक है। तो बच्चों 4 का इस डायरेक्शन में वैल्यू कितनी है, तो आपने बोला जी 4 cos 53, cos 53 कितना होता है 3/5, तो ये हो गया 12/5, तो इस डायरेक्शन में ये स्ट्रिंग चल रही है 12/5 से, तो ये वाला अभी इसमें 12/5, तो ये वाला पार्टिकल भी ऊपर जा रहा होगा कितनी स्पीड से, 12/5 से, बट ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपने बोला जी ये ब्लॉक तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो v का कितना हिस्सा, तो v cos 37 किसके बराबर होगा, v cos 37, देखो बच्चे बच्चे ना दो कंडीशन होती हैं इसमें, एक तो बच्चा इसका 12/5 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले ले, देखो ये भी बच्चा कर लेता है कई बार, है ना, बट आपको किस क्या लेना है, इस v का इस लाइन में ऊपर वाली जिसमें स्ट्रिंग है उस लाइन में वैल्यू लेनी है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा 12/5 के बराबर होना चाहिए, तब जाके आंसर आएगा। v cos 37 कितना होता है, v cos 37 होता है 4/5, ठीक है, तो और ये हो गया 12/5, तो ये भाई साहब ये कट गया, आंसर आया 3 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से जा रही है, 3 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, ठीक है, ओके। अब मैं आपको देता हूँ सवाल, है ना, तो पॉइंट मेथड के क्वेश्चंस तो हम बाद में करेंगे, पहले कंस्ट्रेंट मोशन के एक दो क्वेश्चन कर लो, जो स्पीड वाले हैं एक्सेलेरेशन वाले भी वैसे ही होते हैं, है ना, तो हम एक्सेलेरेशन हो स्पीड हो तो आप देखिए एक बार खुद से ट्राई करिए, है ना, सवाल मैं दे रहा हूँ आपके सामने, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ट्राई करो बच्चों, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसका मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ए, मैं एक बार इसका मैं एक बार क्वेश्चन का आंसर है ना ऑप्शन देख लेता हूँ, तो क्या क्या ऑप्शन है इसकी, क्वेश्चन नंबर ये, मुझे मिला नहीं। हेलो पूनम कैसी है, जल्दी आओ भाई, आ गया, हाँ जी बिल्कुल मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। देखिए ऑप्शन है v2 is equal to v1 sin theta,
ऑप्शन बी वी टू इज इक्वल टू वी वन कोस थीटा, ऑप्शन सी वी टू इज इक्वल टू वी वन कोट थीटा, ऑप्शन डी। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं, करो आराम से वी वन टेंजेंट थीटा करिए। ये चार ऑप्शन हैं, करो। मेरे ख्याल से कोई बच्चा होगा जो गलत करेगा, इसको ध्यान से करना। ये वाला जो सिस्टम है, वेड्स मान लो या ब्लॉक है, जो भी है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और ये एम वन है और ये एम टू है, करो। मस्त क्वेश्चन, जगास। मैंने कंस्ट्रेंट मोशन सिखा दिया आपको, ट्राई करो, शायद आप कर लोगे। बहुत सारे सवाल हैं, करने हैं सब, मस्ती के साथ करो, जगास। चलो, और मुझे आप कमेंट में लिखो, ठीक है। वेरी गुड पृथ्वी, सीख गया लड़के, नोटे, गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। ये वाला भाई साहब इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये स्ट्रिंग भाई साहब इसको ऐसे ले लो, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, वी वन कोस थीटा, ये वी वन कोस थीटा, ये भी 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 वी वन कोस थीटा, तो भाई साहब वी टू किसके बराबर, वी वन कोस थीटा। बस बस बस, लग गया इंजेक्शन, चलो बन गई बात। तो बच्चों ये सवाल आपने कर लिया, मुझे बहुत खुशी हुई, बस क्या बताऊँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा अपनी खुशी, है ना। चलिए ऐसा ही एक और नन्ना मुन्ना सवाल आपके सामने एक और डाल रहे हैं, करना, बहुत ही मस्त, देखने में थोड़ा खतरनाक लगता है, कुछ नहीं है, टाइम पास क्वेश्चन। अब ये एम वन है ना, ये एक रिंग है एक तरह से, और इसके साथ आपने ये ब्लॉक जोड़ दिया। ये रिंग ऐसे थी, पुली से जुड़ी हुई थी, ये रिंग ऐसे गिरने लग गई, तो ये भाई साहब ये ब्लॉक ऊपर जाने लग गया, ठीक है। जब ये नीचे आ जाएगा एच हाइट पे, ऐसे नीचे, तो आपसे पूछा गया इसकी स्पीड कितनी है। भाई इसकी स्पीड मान लो ये हो गई मान लो वी वन, ठीक है, नीचे की तरफ इसकी स्पीड हो गई भाई साहब ऊपर वी टू। भाई साहब मैं कह रहा हूँ सवाल क्या सवाल है, इतना अच्छा क्वेश्चन, बस क्या बताऊँ मैं, जल्दी कर दो, फटाफट कर दो, बस कर दो, बस चलो जल्दी करो। आपको दिख रहा होगा नीचे एक छोटी सी वैल्यू लिखी है, रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाय एच, ये इसका आंसर है। चलो करो, ये इसका आंसर है बच्चों। फिर मैं आपको पॉइंट मेथड पढ़ाऊंगा, दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन है इसके ऊपर, कंस्ट्रेंट मोशन स्ट्रिंग वाले, थोड़ा सा आइडिया कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बच्चों का, तो मेरी भी है ना इच्छा है कि बच्चों को अच्छे से आए हर चीज। हो गया, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं देख पा रहा हूँ आपके है ना कमेंट्स, तो बच्चों करो। अरे बच्चे कम आए आज पृथ्वी, है ना, होप तो थी सारे आएंगे आज, आलस, जो ये आलस रूपी बीमारी है ना, ये बहुत परेशान करती है। क्या हो गया सबका, देखो बच्चों मैं बता दूं, कर दिया सबने, देखो बच्चों ये लाइन ऐसे भी खींच लो, ठीक है, ये जो रिंग था ये यहाँ पहुँच गया और ये पुली थी, ठीक है जी, तो ऐसे है कि नहीं। ये एंगल मान लो थीटा और ये लेंथ थी एल, ये ना एल, ये लिख भी देखो, ठीक है, ओके, ये थीटा और ये आ गया एच, इसकी स्पीड कितनी, वी वन। अच्छा करो 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 करो, करिए, गुड आंसर, क्या बात है, स्वाद आ गया लड़के को भाई। चलो 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 मैं भी कर लूँ थोड़ा सा, बता दूँ, ये भैया ये ब्लॉक आ गया ऊपर, पहले इधर था, देखो अभी ऊपर आ गया, आया कि नहीं आया, तो बच्चों ये M2 है, इसकी स्पीड ऊपर V2 है ना, इसकी स्पीड V1 है। तो एक बात बताओ बच्चों, ये जब नीचे जा रहा है तो देखो ये नीचे जा रहा है ना, कितनी स्पीड से, V2 से, V2 से जा रहा है,
वी वन से, तो इसका इस डायरेक्शन में थीटा, तो ये कितना हो जाएगा वी वन कॉस थीटा, तो ये वी वन कॉस थीटा, तो ये स्ट्रिंग के हर पार्टिकल का जो मोशन है वी वन कॉस थीटा ही रहेगा, तो भैया इसका कितना वी टू, तो ये वी टू किसके बराबर होगा वी वन कॉस थीटा के बराबर होगा। अच्छा ये कॉस थीटा देखो बच्चों क्या होता है, कॉस थीटा होता है ये सामने, ये क्या है बेस, दिख रहा है आपको ट्रायंगल, ये रहा आपका एच बेस और ये रहा आपका हाइपोटेनियस, तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो कितनी आएगी एच डिवाइड बाय रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे जब रखोगे तो वी वन बाय वी टू मुझसे पूछा गया है, तो मैं क्या करूँगा, ये हो जाएगा भाई साहब वी वन बाय, तो ये हो जाएगा वन बाय कॉस थीटा, और मुझे नहीं लगता भाई साहब आपको दिक्कत आई होगी, कॉस थीटा क्या है एच, तो ये एच तो नीचे आ जाएगा, तो यही तो वैल्यू आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, तो रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय एच, तो मेरा आंसर आ गया बच्चों, बहुत मज़ा आया। ठीक है, जब मैंने बोला है जब सवाल हो जाते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है ना चेहरे पे, राइट। चलिए ऐसे ही आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, तड़कता भड़कता ट्राई करना, मुझे नहीं लगता आप गलत करोगे, है ना। करो करो जल्दी करो, मुझे हेलो बोलो भाई, जो बच्चा नया आता है क्लास में मुझे पता तो लगे कौन आ गया है ना। अब मैं आपको एक, अभी मैंने आपको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन सिखा दिया, ठीक है, अब आपको नेक्स्ट चीज सिखाऊंगा, ठीक है। नहीं आपसे पूछा गया है इसकी स्पीड, ये रिंग है, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए लिख लो वी कॉस थीटा, ठीक है, ऑप्शन बी वी साइन थीटा, ऑप्शन सी वी सिकेंड थीटा, ऑप्शन डी वी कोट थीटा। चलिए होप सो आप सही करोगे बिल्कुल, है ना, आशा मैं करता हूँ, वैसे तो आशा मेरी सही रहती है बच्चों के साथ, जो ये चार ऑप्शन हैं तो इसको करिए, मस्त प्रॉब्लम है ना, पूरी कंस्ट्रेंट मोशन है, और कर दो बस। हो गया सबका, अरे क्या बात है, पूनम हुआ नहीं क्या भाई, सब करो भैया, एक पृथ्वी दिख रहा है मुझे करता हुआ, बाकी अभिषेक करो भाई। देखो बच्चों ये इधर जा रहा है, तो एक बात बताओ, जा तो ये इस डायरेक्शन में रही है ना वी ए, है ना, बट वी ए का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा वी ए कॉस थीटा, तो वी ए कॉस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, तो इस वी के बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए वी के, तो बस, तो ये वी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू वी, खत्म। तो वी ए कितना आएगा वी बाय कॉस थीटा, और वन बाय कॉस थीटा मेरे ख्याल से आप लोग सब लोग जानते होंगे बच्चों वी होता है सिकेंड थीटा, ठीक है जी, तो आपका आंसर आ गया बच्चों, है कि नहीं क्लियर, ओके बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। अब चले आगे, ठीक है, एक और क्वेश्चन करना चाहोगे, चलो कर दो फिर, ये इसके बाद फिर मैं पॉइंट मेथड पे आ रहा हूँ, उसके बाद फिर वो क्वेश्चन आपको पॉइंट वाले करने हैं, है ना। तो बच्चों ये वाला सवाल करो, ये कूली कंस्टेंट मोशन है ना, अब आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे दो ऑप्शन है और इसमें आंसर दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें पूछा है कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, कोई अलाउड नहीं है इसको लेंथ को, है ना, एक्सटेंड होना डिटरमाइन द वेलोसिटी यू, ये ब्लॉक की वेलोसिटी पूछी है दोनों केस में, पहले केस में आंसर दिस, दूसरे में दिस। करो बच्चों, जो बच्चे नहीं आते मुझे हेलो बोलो, भैया मुझे पता नहीं चलता है ना, क्योंकि कमेंट करोगे तो पता लगेगा, करो क्वेश्चन गलत मत करना, मस्त क्वेश्चन है ना, अरे टाइम पास क्वेश्चन, अरे पृथ्वी तूने किया एक बार अन अकेडमी में, है ना, जब सेशन लगाया था हमने, एक ये सवाल आया था, करो। हाँ डायरेक्शन एक होनी चाहिए, ऐसे नहीं लेनी, ऐसे ऐसे, ठीक है, बस वर्टिकल है तो वर्टिकल ही खेलना है, ओके करो, मेरे ख्याल से कर ही देंगे बच्चे, बच्चे बहुत प्यारे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है कंस्टेंट मोशन स्ट्रिंग का, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको पॉइंट मेथड,
ठीक है, पुली पुली जो पुली कंस्ट्रेंट है उस पे आएंगे। तो ये कर दो आप, पहले आपका आंसर बताओ मुझे क्या आया। करो बच्चों, मस्त सवाल, झकास है कि नहीं, करिए। जिसका हो जाए कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ आपके कमेंट सबके, तो राइट योर आंसर ऑन कमेंट सेक्शन, है ना, आई कैन सी योर आंसर। क्या बात है, ओके रमेश, अरे क्या बात है रमेश बाबू, आ गए आज, कमाल कर दिया आज आपने, धोती फाड़ कर रुमाल कर दिया, गुड बॉल है ये ऑप्शन। आंसर यही है, आंसर यही है, यही प्रूफ करना है आपको। चलिए शुरू करते हैं, टाइम खराब हो रहा है। देखो बच्चों, इसकी बात चर्चा करें तो ये ऊपर जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये वी है, तो बच्चों ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक देखो यहाँ से यहाँ तक जुड़ी हुई है, तो बच्चों ये ब्लॉक जुड़ा हुआ इससे है कि नहीं, ये इधर जा रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है, तो भाई साहब ये वाली जो है हम क्या करते हैं, यहां से ले लेते हैं यू कोस थीटा। देखो यू और ये भी कितना है यू, ये तो इससे जुड़ा है ना नीचे वाले से, तो जब ये ऊपर जा रहा है तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यू कोस थीटा, ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यू कोस थीटा, तो ये कितना हो गया, टू यू कोस थीटा। अरे टाइम पास क्वेश्चन है कि नहीं, इज इक्वल टू वी, तो यू किसके बराबर हो जाएगा, वी बाई टू कोस थीटा, खलास खत्म। क्या है सवाल में बताओ, ये भी ऐसे ही, ये वी से जा रहा है ना, ये ऊपर आ रहा है, तो ध्यान से देखो ये ऊपर आ रहा है, तो ये नीचे जा रहा है, तो ये वाला भी ऊपर जा रहा होगा, ये भी वाला ऊपर जा रहा होगा, तो बच्चों क्या होगा, तो अगर आप ध्यान दें, ये U से ऊपर जा रहा है, तो U की स्पीड कितनी होगी, तो बच्चों देखो ये ऊपर जा रहा है ना, ये वाला पॉइंट भी ऊपर जा रहा है, जुड़ा तो इससे है ना, तो ये कितना हो जाएगा। अब बच्चा कहता है सर इसमें इधर भी है और इधर भी है, तो एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे बस और आसान है, U cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, अरे ये जा तो ऊपर रहा है ना इस डायरेक्शन में U स्पीड से, तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, U cos थीटा, तो बस U cos थीटा किसके बराबर, V गए, तो बच्चों आंसर कितना आया, V by cos थीटा, खलास खत्म। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, हमारा जो आज का मकसद है वो हमने पढ़ना है आज, पुली कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट मैंने आपको पढ़ा दिया है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है पुली कंस्ट्रेंट, ठीक है जी। अब मैं इसको सिखाता हूँ, देखो इसमें दो तीन तरीके हैं, है ना, तरीके हैं, वो तरीके मैं बता देता हूँ आपको। तो देखो बच्चों पुली कंस्ट्रेंट क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इजी एग्जांपल, इजी एग्जांपल जस्ट लाइक ऐसा, ये पुली है, इस पुली की कोई वेलोसिटी नहीं है, ये पुली में आपने दो ब्लॉक जोड़ दिए, ऐसे जोड़ दिए जी, मान लीजिए आपने बोला जी ये वाला जो ब्लॉक है बी, ये जा रहा है नीचे, मान लीजिए 2 m/s² से, एक्सेलेरेशन ले लेते हैं, तो ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, है ना, तो अगर आप यहाँ देखो ऐसे, यहाँ बैठ के देख रहे हो आप, कहाँ बैठ गए, कौन सा, नहीं वेड्स नहीं शुरू किया, वेड्स एक अलग चीज़ है, वेड्स पे आएंगे अभी, पहले मैं वन बाय वन समझा रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है वेड्स। तो बच्चों यहाँ बैठ के आप पुली बैठ गए, मान लो पुली मास लेस है, पहले बता दूँ आपको पुली का कोई मास नहीं होता, ठीक है, तो ये अगर जा रहा है तो ये ए ब्लॉक कहाँ आएगा, ऊपर, तो आप पुली में बैठे हो तो आपने देखा एक तो नीचे जा रहा है और एक ऊपर आ रहा है ना, बट ये नोटिस किया आपने क्या, दोनों का जो मोशन है वो कंस्टेंट है, तो ये जो एक्सेलेरेशन 2 है, तो इसकी भी एक्सेलेरेशन कितनी होगी, 2 m/s² होगी, होगी कि नहीं होगी, बात समझ में आई। तो ये तब था जब पुली रेस्ट पे थी, बट कोई जरूरी है कि भाई साहब पुली रेस्ट पे हो, पुली भी तो जा सकती है। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए एक तराजू है, तराजू आपने देखे है ना, तराजू, ये तराजू, ए तराजू आपने देखे होंगे यार, पेन जिसमें भाई साहब हम तोलते हैं चीज़ों का, मेजरमेंट करते हैं, मान लीजिए ये, ठीक है जी, ओके, यहाँ पे आपने एक वेट रख दिया 4 kg का, ओके ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ऐसे, और यहाँ पे रख दिया मान लीजिए, क्या मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, चलो भाई साहब यहाँ भी रख देते हैं, यहाँ रख दिया आपने कितना, 8 kg। अब एक बात बताओ, ये 8 kg का, इसका कितना वेट, 8 kg,
अब एक बात बताओ, अगर ध्यान से देखें तो ये कैसे होगा? तो भैया 8 kg वाला नीचे जाएगा और 4 kg वाला ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना? बट एक सोच के देखो, ये सिस्टम जुड़ा हुआ है, ठीक है, पुली है एक तरह से। अब इसको अगर मैं सिस्टम को उठा के लेके जाऊं ऊपर, मान लो आपने इसको उठा लिया, आपने इसको पकड़ रखा है और इस पूरे सिस्टम को ही ऊपर उठा के लेके जा रहे हो, तो भाई सिस्टम तो जा रहा है ना ऊपर, तो इसका मतलब ये कुछ तो ऐसे, अब आप इधर ध्यान देंगे आपको थोड़ा फील आएगी, ये पुली जा रही है ऊपर, मान लो वी पी स्पीड से, ठीक है, ओके क्लियर। आप जब यहाँ बैठे थे तो आपने दोनों को देखा, ठीक है जी। अब मान लीजिए ये ब्लॉक है ए, डायरेक्शन अपने आप आ जाती है, डायरेक्शन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्शन आ जाएगी। फिर बोल रहा हूँ, ये पुली भैया दो ब्लॉक को जोड़ती है आपस में, ये बी, ठीक है जी। मान लीजिए इसकी स्पीड ऊपर है वी ए, और इसकी स्पीड भी कितनी है वी पी, ठीक है जी, ओके क्लियर। अच्छा बहुत बढ़िया, अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ करने का। ये क्या लिया, मान लो ये लेंथ है X1, ये लेंथ क्या है X2, ठीक है क्लियर, ओके। ये लेंथ कितनी है, इधर का हिस्सा X1, इधर का हिस्सा X2, और ये टोटल जो लेंथ है वो है X1 + X2 = L। L तो कॉन्स्टेंट है, वो तो एक्सटेंड हो नहीं सकती। हाँ, X1 छोटा होगा तो X2 बड़ा हो जाएगा, अगर X2 छोटा होगा तो X1 बड़ा हो जाएगा। ये दो ही काम चलेंगे और कुछ नहीं है इसमें, है ना, बाकी कुछ सोचना भी नहीं है आपको। तो इसमें बच्चों जब डिफरेंशिएट करोगे टाइम के साथ, तो dx1 / dt + dx2 / dt = 0। जीरो क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो तो जीरो होता है। अब ये क्या आ गई, ये स्पीड आ गई, किसकी स्पीड आ गई भाई, ये स्पीड आई ए ब्लॉक की। कहाँ बैठ के देखा आपने, यहाँ बैठ के देखा पुली पे। तो रिलेटिव लिखो इसको, तो स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली प्लस ये स्पीड किसकी है, स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू जीरो। अब इसको इधर ले जाओ, तो जब इसको इधर लेके जाओगे तो भैया ये क्या आएगा, तो ये सवाल और ये कंसेप्ट समझ लो, यही है सब कुछ वी पी, ठीक है जी, लिख लिया। अब इसको खोल लो, वी ए माइनस वी पी इज इक्वल टू माइनस वी बी प्लस वी पी, है ना, तो ये आ गया सर। अब इसको इधर कुछ कुछ कर दो, जब आप इसको लिखोगे तो क्या वैल्यू आएगी, तो इसको इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा वी ए प्लस वी बी बाय 2 = VP। ये है आपका फॉर्मूला जो आपको यूज़ करना है सॉल्व करने के लिए, ठीक है जी, ओके। एक तो ये तरीका है इसका सॉल्व करने का, एक तो ये आपको आइडिया आना चाहिए, यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है, ओके। हाँ, तो ये आपका रिलेटिव टर्म से हमने कर लिया। देखो दो बातें होती हैं, एक तो आप यहाँ बैठ के देखो, एक ग्राउंड फ्रेम में देखो, तो हम यहीं बैठ जाते हैं, एक ऊपर जा रहा होगा एक नीचे जा रहा होगा, ये तो बात सही है, हमने दोनों को ऊपर मान लिया, वो डायरेक्शन अपने आप आ जाती है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इसका एक और तरीका सिखाता हूँ आपको मैं, इसको बोलते हैं पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड क्या होता है, देखिए फिर से वही सवाल। अच्छा चलो, इस पे पहले आप एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको मैं, क्वेश्चन कैसे होते हैं देखिए। यहाँ लेते हैं, मान लीजिए एक पुली है और पुली को मैं ऊपर खींच रहा हूँ 2 m/s से, या 2 m/s² से मान लो, ठीक है जी। पुली का एक पॉइंट बांध दिया मैंने ग्राउंड से, ठीक है जी, एक भाई साहब ये ए ब्लॉक। आपसे पूछा गया इसकी स्पीड बताओ, इसकी एक्सेलेशन बताओ, क्या बताओ इसकी एक्सेलेशन, तो इसकी एक्सेलेशन बताओ, तो क्या बताओगे आपने। अब आपको नहीं पता ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मान लीजिए आपने डायरेक्शन मान ली नीचे, क्या मान ली नीचे, ठीक है जी, ओके। अब आपने क्वेश्चन करना है, आपको पता है फॉर्मूला, हमको पता है कि एक, देखो इसका एक पॉइंट तो भाई साहब ये वाला एक, ये तो वी ए प्लस ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, 0 / 2, और वी पी, सॉरी ये एक्सेलेशन है ना, चलो आप इसको ऐसे स्पीड मान लो, स्पीड वाला क्वेश्चन करते हैं, चलो बात एक ही है, एक्सेलेशन भी कर सकते हो, डोंट वरी, चिंता ना करो। तो ये स्पीड है, पुली की स्पीड कितनी है, 2 कितनी है 2 2। तो बच्चों देखो, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया, 4 m/s, कितना आया 4 m। तो पुली की स्पीड हमने देखो क्या मानी थी, हमने इसको नीचे माना था, है कि नहीं, ये नीचे नहीं जा रहा ऊपर जा रहा है,
क्योंकि ये ऊपर की तरफ लेना है आपको, है ना। तो देखो बच्चों, बेसिकली डायरेक्शन का ही खेल होता है, डायरेक्शन में बच्चा परेशान रहता है। तो जनरल सी बात है, अगर आप इसमें नोटिस करो, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऊपर जाएगा, क्योंकि जब पुली खींचोगे ये वाला हिस्सा तो जा नहीं रहा, तो ये वाला भी तो ऊपर ही जाएगा, ए वाला भी, तो ये तो इसी के साथ ही हो लेगा। अब इसमें प्लस माइनस वो आपकी, आपको देखना है कि आपने ऊपर वाली वैल्यू प्लस माननी है कि नीचे वाली प्लस माननी है, ऊपर वाली माइनस माननी है कि नीचे वाली माइनस माननी है। एक और सवाल करके दिखाता हूँ आपको, ऐसा ही है ना, थोड़ा सा आपको फील आएगी सवाल कैसे होते। देखो मान लीजिए ये एक पुली है, ठीक है, ये ऊपर जा रही है और ये दूसरी पुली है ना, ये तो आपने बांध दी इधर, और यहाँ पे एक ब्लॉक बांध दिया, ओके, यहाँ पे एक और बांध दिया, ठीक है जी। इसकी ये जा रहा है मान लो ऊपर, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड से, और आपसे बोला कि पुली भी जा रही है ऊपर 3 मीटर पर सेकंड से, तो आपसे पूछा कि जो ये ए ब्लॉक है ना, इसकी स्पीड बता दो कितनी है, इसकी स्पीड बता दो कितनी है। देखो कंस्टेंट मोशन होता है, ये रस्सी जो है ना, ये इससे जुड़ी हुई है, दिख रही है आपको, है ना। करिए आप सवाल, ये मजा आएगा, करो सॉल्व करो, इसको ट्राई करो। देखो इसमें दो बार फॉर्मूले लगाने हैं, आप ऊपर वाली डायरेक्शन प्लस मान लो, अपने आप आएगा आंसर जो भी आएगा भाई, हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। हेलो अंशु, अरे कैसा है अंशु, आ गया आज तू भी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आजा सवाल कर रहे हैं मस्त। देखो बच्चों जल्दी करो, फिर मैं आपको पॉइंट मेथड वाला भी सिखा के फिर आगे बढ़ेंगे। निकालो आंसर, निकालो जल्दी से, बताओ आंसर क्या आएगा। चलिए करते हैं, यहां दो पुली है, ये इसको मान लो P1, इसको मान लो P2, ठीक है जी, ओके, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। और सहज कैसा है, आ गए ब्लॉक है 4 मीटर पर सेकंड, चेक करते हैं, लेट्स चेक, ये ऊपर जा रहा है, ये पुली की स्पीड। अब देखो इस केस में हम मान लेते हैं VP2 प्लस 4 इज इक्वल टू 3/2, ये इधर चला गया, तो VP2 कितना आ गया, VP2 आ गया बच्चों आपका, ये गया 6 और ये गया 4, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी, ये स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकंड, ओके, बहुत बढ़िया। अब इसका क्या बता भाई साहब, अगर आपने माना कि ये डायरेक्शन नीचे, मान लीजिए माइनस, तो नीचे ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा, तो हमने लिखा इसकी स्पीड मान ली आपने माइनस वी, और ये वाली की 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, पुली की स्पीड ऊपर है, पॉजिटिव है कि नहीं, तो v कितना आया 4 और वो माइनस। तो बच्चों अगर आपने नीचे वाली जो डायरेक्शन ली थी, अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो आपका आंसर सही होता, बट ये तो माइनस आई, इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन भाई साहब इसकी ऊपर की तरफ है और वो पॉजिटिव है, तो भैया ये आपका आंसर 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपने काफ़ी अच्छा किया, बहुत बढ़िया पृथ्वी। तो बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आप लोग कर सकते हो, बहुत इजी होता है, मज़ा आता है, ट्राई करते रहो। अब मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता हूँ, पॉइंट मेथड जो ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। देखिए वो तरीका कैसा है, बहुत इजी है, आपको मज़ा आएगा वो, है ना, उसके बाद तो आपको सवाल वैसे बहुत ही टाइम पास लगेंगे। चलिए मान लीजिए, थोड़ा सा समझना ध्यान से, ये पुली की स्पीड मान लो ऊपर, VP स्पीड ले सकते हो, एक्सेलेरेशन ले सकते हो, डोंट वरी, और ये ब्लॉक है A, और दूसरा ब्लॉक आपने यहाँ पे, ये है B, ठीक है जी। सपोज करिए सिस्टम ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है, और बच्चों ये भी ऊपर जा रहा है B से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पॉइंट्स खेलते हैं। एक बात सबको पता है, क्या पता है, ये जो पॉइंट्स होते हैं इधर दिख रहे हैं आपको, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाले, देखो इसमें ये पॉइंट्स का नाम देखो, ये पॉइंट ए से जुड़ा है, ये पॉइंट पुली से जुड़ा है, ये पॉइंट इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये पॉइंट बी को
तो भैया इस पॉइंट, ये जो ए से और टू डी के बीच का जो लेंथ है ना, इसको एक्सटेंड होना अलाउड नहीं है। ऐसे ही पुली के इस साइड में बी और किसके बीच में, बी के बीच में, पुली और बी के बीच में ये जो लेंथ है, इसको भी है ना एक्सटेंड होना अलाउड नहीं है। ये अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब सुनिए, मान लीजिए ये ऊपर जा रही है तो पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है। आप सुनिएगा ध्यान से, सोचिए अगर आप पुली पे बैठे हो तो ये इस लेंथ को, जो ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ को घटाना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? घटाना चाहेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो ये इस लेंथ को घटा रहा है, तो इसकी स्पीड को लिख लो माइनस वी ए, ठीक है जी। ये वाला पॉइंट ए से दूर जाना चाहता है, जो पुली से जुड़ा है, तो पुली से जुड़ा है तो ये ए से दूर जाना चाहेगा, तो ये इस लेंथ को क्या चाहेगा? बढ़ाना। तो इसको लिख लो प्लस वी पी, ठीक है। ऐसे घटाना बढ़ाना ही करना है आपको। आ जाओ इस तरफ, ये वाला भी पॉइंट कहाँ जाना चाहता है? ऊपर। तो ये वाला भी इस लेंथ को बढ़ाना चाहेगा, बी से दूर जाना चाहेगा, तो यहाँ पे लिख लो प्लस वी पी। अब आ जाओ बी पे, बी इस लेंथ को छोटा करना चाहता है। क्या करना चाहता है? छोटा। ये जो आपको लेंथ दिख रही है ना, इसको छोटा करना चाहेगा, ये ऊपर की तरफ आना चाहेगा। तो हम ये मान लेते हैं ये छोटा करता है, तो इसको लिख लो माइनस वी बी, और नेट जो रिजल्ट आएगा वो होगा 0, ठीक है जी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया 2 VP, और ये माइनस वी ए, माइनस वी बी इधर आके प्लस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको शायद आइडिया आ गया होगा, अरे ये तो वही चीज़ है जो अभी हमने पीछे की है कि नहीं, ये तो वही फॉर्मूला आ गया फिर से। बट आपकी बार मैंने थोड़ा सा टॉपिक है ना वही है, बट कंसेप्ट बदल दिया उसको करने का, पॉइंट मेथड से किया मैंने, पॉइंट कंसेप्ट से। तो बच्चों ये घटाना बढ़ाना खेलना है, उसके बाद सॉल्व करने हैं सवाल, ठीक है जी। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन, जो मैंने अभी आपको पीछे सवाल कराए वो भी इसी तरीके से होते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखिए इधर मान लीजिए एक ब्लॉक है ऐसे, ओके, और इसको आपने ग्राउंड पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, समझ रहा है इस चीज को। यहां पे आपने पुली के माध्यम से है ना इसको ऐसे जोड़ दिया, ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। और ये पुली के माध्यम से ऐसे, ये दूसरा ब्लॉक, ठीक है, ओके। अब आपसे पूछा गया कि मान लीजिए ये जा रहा है इधर 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और ये जा रहा है इधर 2 मीटर पर सेकंड से, ओके। आप पॉइंट पॉइंट खेलो, कुछ नहीं करना, टाइम पास है भाई साहब। ये ब्लॉक है मान लो बी, इसकी स्पीड पूछी है, इसकी स्पीड पूछी है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो आपको मजा आएगा। सबसे पहले तो आपको बनाने हैं पॉइंट्स किनारे किनारे, एक ये पॉइंट बना, एक ये पॉइंट बना, एक ये पॉइंट बना, एक ये पॉइंट बना, एक ये पॉइंट बना पुली से, एक ये पॉइंट बना, एक ये पॉइंट बना, ठीक है बच्चों, ओके। तो ध्यान से चलो शुरू करते हैं। ये वाला पॉइंट इस लेंथ को क्या चाहता है? बढ़ाना। तो यहाँ लिखो +4, ठीक है। ये वाला 0, ये तो फिक्स है पुली, ये वाला 0, ये वाला मान लीजिए ये जा रहा है ऊपर, मान लीजिए जा रहा है ऊपर, तो ये इस लेंथ को क्या चाहेगा? घटाना इस तरफ से, तो मैं इसको लिख लो माइनस वी बी। ये वाला पॉइंट भी ऊपर जा रहा है, इसको भी लिखो माइनस वी बी। अब आ जाओ इस पे 0, ये वाला 0, इधर आ जाओ, ये वाला कहाँ जा रहा है? इस डायरेक्शन में, तो ये लेंथ को बढ़ाना चाहता है, तो ये 2 = 0। तो बच्चों देखो 4 6, ये हो गया 2 VB, इधर आके तो VB की वैल्यू कितनी आ गई? 3 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही आपको हर कोई क्वेश्चन करना है पॉइंट मेथड से, ये आपके सवालों को बहुत आसान कर देता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये आइडिया आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपके सामने है ना शो कर रहा हूँ, वन बाय वन ट्राई करिए, पॉइंट मेथड लगाइए, यही होता है पॉइंट मेथड, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो पहला सवाल आपके सामने ये डाल दिया है, मेरे ख्याल से आप ये लोग कर लोगे क्वेश्चन को, मस्त सोच समझ के करो। आप चाहो पॉइंट मेथड से कर सकते हो, इसे पॉइंट बना लीजिए, मैं आपको पॉइंट कहते हो तो पॉइंट बना के दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ हो गए। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, पहले इसको कंप्लीट करो, फिर आप दूसरे पे आओ, ठीक है ऐसे, ओके। तो बच्चों करो, मेरे ख्याल से आप सब लोग कर लोगे, मुझे पता है आपके पास टैलेंट है ना, बच्चे बहुत शानदार हैं हमारे, होनहार हैं, करते
करिए करिए जल्दी करिए। अगली क्लास जो होगी सेशन होगा और अच्छे सवाल लेके आऊँगा आपके पास, है ना, तो इसको करो आप कर सकते हो। हो गया हो गया सबका आंसर। मैं आपको पोल दे देता हूँ, इसका आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, चेक करके भाई साहब बता देते हैं आपको। ओके किसकी पूछी है, किसकी पूछ रहा है स्पीड, ये पूछ रहा है VA की और VB की। देखो बच्चों VA की स्पीड आती है, आंसर इसका है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और VB की स्पीड आती है 22 मीटर पर सेकेंड। मेरे ख्याल से बच्चे कर लेंगे। अरे क्या बात है पृथ्वी, सीख गया तू तो, है नोटे, गुड, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। VA की स्पीड भाई साहब मस्त। अरे सब करो भाई, इतने सारे बच्चे बैठे हो भैया, और कैसे करोगे और कैसे करवाऊँ मैं, हैं इतना लल्लू सवाल, शर्म आ जाती है भाई साहब देख के, करो फटाफट, है ही ना भाई साहब, ठीक बात है ना, करो करो जल्दी करो। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। ये वाला इस लेंथ को क्या कर रहा है, मान लीजिए ऊपर जा रहा है, मान लीजिए ऊपर जा रहा है, तो ये इस लेंथ को क्या चाह रहा है, बढ़ाना कि घटाना, घटाना, ये ऊपर जा रहा है भाई साहब, ये AP1 की तरफ जा रहा है, तो माइनस वी ए लिख लो, ठीक है जी। इसकी वेलोसिटी जीरो, इसकी वेलोसिटी जीरो, ये वाला पॉइंट जा रहा है नीचे, ये वाला कहाँ जा रहा है, नीचे, तो यहाँ पे लिखो, ये पुली से जुड़ा है ना, तो पुली की स्पीड कितनी है, 10। ये इस लेंथ को बढ़ा रहा है, हेलो हेलो, एक सेकंड बच्चों, हेलो, आऊं मैं, बच्चों मुझे किसी कारणवश जाना पड़ेगा, है ना, तो आप ध्यान रखिए, ठीक है, और ये क्लास में अभी ख़त्म कर रहा हूँ, कुछ है ना समस्या है। हेलो हेलो हेलो,